हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रशांत एक बार फिर आप सभी का प्यार से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बर्ड्स एंड गार्डन में। दोस्तों, आज का वीडियो मेरे एक फ्रेंड्स के सजेशन पे मैं बना रहा हूं। मेरे एक फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था कि मैं अगला वीडियो पट्ठों में मेल फीमेल की पहचान के ऊपर बनाऊं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं पट्ठों में मेल फीमेल की पहचान कैसे की जाए उसी के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिससे जो नए व्यक्ति हैं उसे बाजार में जाकर जब मेल फीमेल बजीज परचेस करें तो वो उनसे ठगी ना हो और सही चीज परचेस करके लाए, क्योंकि ज्यादातर जने एक या दो पेयर ही परचेस करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि मेल फीमेल की पहचान कैसे की जाए, तो दुकानदार उनको जो देता है वो लेके आ जाता है। बाद में पता लगता है या तो वो दोनों मेल है या दोनों फीमेल है। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छी तरह दुकान पर जाके बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, मुझे ये फीमेल चाहिए और ये मेल चाहिए। दोस्तों, इससे आपको दुकानदार ठग नहीं पाएगा और आपको अपनी पैसे की पूरी वैल्यू मिल पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। साथ में अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और मेरे कोई दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ सीधे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि आज का वीडियो बजीज के पट्ठों की पहचान के ऊपर है, कि आपको पता है कि मेरे पट्ठे काफी निकले हुए हैं बजीज के, जिनको मैंने अलग केज में शिफ्ट किया हुआ है, तो आज उन्हीं के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पट्ठों को पिंजरे से पकड़ के फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जैसे एक पट्ठा पकड़ लिया है, आप देख रहे होंगे कितना प्यारा पट्ठा है, ये येलो टाइट का है, देखिए बहुत शानदार है पीस है। ये देखिए, ये देखिए, अब इसकी पहचान कैसे करें कि ये मेल है या फीमेल है। अगर आपके आपको नोज के चारों तरफ व्हाइट दिखे, ये देखिए व्हाइट है, तो ये फीमेल है। ये देखिए फीमेल है, अच्छी तरह आपको दिख गया होगा कि इसके नोज के चारों तरफ व्हाइट सा है। दोस्तों, फीमेल के लिए धोखा मत खाइएगा, क्योंकि अगर आपको नोज पे व्हाइट लगे, पूरा व्हाइट रहेगा, तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि ये फीमेल है। और मैं आपको मेल भी पकड़ के दिखाऊंगा, मेल में या तो पिंकिश शेड रहेगा या फिर ब्लू शेड रहेगा, किंतु व्हाइट नहीं रहेगा। अगर व्हाइट मिलता है तो आपको ये समझ लेना है कि ये फीमेल है। ठीक है दोस्तों, और ये पट्ठा कैसे है, पट्ठा देखिए, पट्ठे की पहचान ये है कि इसकी आंखें देखिए, आंखों में कोई रिंग नहीं आई है, बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें हैं, बिल्कुल ब्लैक साफ साफ नजर आ रही है, इसमें कोई रिंग नहीं है। अगर रिंग आती है और आंखें छोटी हो जाती है तो इसका मतलब वो पट्ठा नहीं है, एडल्ट है, उसकी एज हो चुकी है करीब तीन से चार महीने की। ये अभी केवल दो महीने की है, बिल्कुल प्योर पट्ठा है ये। ये भी थोड़ी दिन पहले मैंने जब वीडियो बनाया था आप लोगों को दिखाया था कि मेरे हांडी से जो पट्ठे निकले हैं उनको मैंने अलग केज में शिफ्ट किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये फीमेल है। अब मैं आपको एक और पट्ठा पकड़ के दिखाता हूँ जो मेल का है। ठीक है दोस्तों, पट्ठों को पकड़ने में बहुत दिक्कत आती है। अभी मैंने दूसरा पट्ठा पकड़ा है, काफी मेहनत करनी पड़ती है एक पट्ठों को पकड़ने में, काफी उड़ते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं, भागते रहते हैं, इनको पकड़ने में बहुत दिक्कत आती है। अब देखिए इसकी नोज देखिए दोस्तों, आप इसकी नोज का ख्याल कर रहे होंगे, देखिए इसके मैंने क्लोजअप से दिखा रहा हूँ, इसकी नोज देखिए पिंकिश है, साफ साफ पिंक कलर का है, बिल्कुल क्लियर पिंक है, थोड़ा लाइट पिंक है, इसलिए ये मेल है, क्योंकि ये मेल्स में क्या आपको जो पट्ठे होंगे उसमें नोज आपको पिंकिश मिलेगी या फिर ब्लूइश मिलेगी, किंतु फीमेल में हमेशा आपको व्हाइटिश मिलेगी। तो इसकी देखिए नोज पिंकिश है, आप साफ साफ देख सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा तेज है, और ये थोड़ा सा उनसे बड़ा है, इसलिए मेरे को कार्ड भी बहुत तगड़ा रहा है। देखिए, जो मैंने अभी ये फीमेल दिखाई थी उससे बड़ा है। मैं और भी आपको पट्ठे दिखाऊंगा अभी इससे उसी के उम्र के। ठीक है, आप नोज पे इसके अलावा कोई पहचान नहीं है बजीज की। दोस्तों, बजीज की पहचान की लिए केवल इसी नोज पे ही ध्यान दिया जाता है, जो ये नाक के ऊपर जो छेद है, इस छेद के आसपास देखिएगा, अगर व्हाइट है तो फीमेल है, और अगर पिंकिश या ब्लूइश है तो मेल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक और पट्ठा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, बहुत मुश्किल से पकड़ में आते हैं पट्ठे, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आपकी ये देखिए, ये वाला पट्ठा है, क्या शानदार कलर है, ये कलर आपको इजीली मार्केट में नहीं मिलेगा। आप देखिए कलर, सिर का हिस्सा देखिए येलो कलर का है, बाकी बॉडी ग्रे कलर की है, और इसमें जो पंख है इसके भी ये शानदार पंख निकलते हैं। ये देखिए येलोइश का इसका शेड है, येलो और ग्रे का, ये ज्यादा
अधिकतर आसानी से आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, बहुत रेयर किस्म का ये पट्टा है। अब देखिए इसकी सीरी पे ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से आपको बहुत इजीली बहुत साफ साफ दिख रहा होगा, इसकी सीरी ब्लूइश है, देखिए दिख रहा है ना, वो वाली सीरी मैंने दिखाई थी मेल की पिंकिश, वो पिंक थी और ये ब्लू है, साफ साफ दिख रहा है ब्लू है, ठीक है दोस्तों। तो ये पट्टा मेल है जैसा कि मैंने आपको बताया, और देखिए इसकी आंखें, देखिए कितनी प्यारी आंखें हैं, बड़ी बड़ी दोस्तों, ये मेल है। इसलिए मेल फीमेल में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जब आप बाजार से बजीज खरीदने जाएं तो मेल फीमेल की पहचान आप आसानी से कर सके, आपको दुकानदार ठग ना सके, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूं कि इसमें बहुत इजीली आप पहचान कर सकते हैं कि मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है। ध्यान रखिएगा अगर सीरी में ब्लूइश है, नीला नीलापन है तो वो मेल है, और अगर पिंकिश है यानी गुलाबी कलर का, हल्का गुलाबी कलर है तो भी वो मेल रहेगा, अगर व्हाइट है तो फीमेल रहेगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा मेल फीमेल। अगर ये पट्टे जब एडल्ट होंगे तो ये सीरी जो आप देख रहे हैं हल्की ब्लू है, ये बिल्कुल डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो फुल एडल्ट है, और मादा की सीरी व्हाइट होते होते ब्राउन में कन्वर्ट होने लग जाएगी, जब वो पूरी ब्राउन कन्वर्ट हो जाए तो वो ब्रीडिंग के लायक बन जाती है, फुल एडल्ट हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस होता है, और कोई पहचान इनकी है नहीं जिससे आप पहचान कर सके कि मेल और फीमेल क्या है, सिर्फ नाक ही एक ऐसा पोर्शन है जिससे आप देख के पहचान कर सकते हैं कि मेल और फीमेल कौन कौन से होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ, ज्यादा परेशान नहीं करता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ जिसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें मेल और फीमेल के जो डिफरेंस है वो कौन कौन से है, तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एक जोड़ा है, पट्टे का जोड़ा है ये, और इसमें जो फीमेल है उसकी नोज व्हाइट है, और दूसरे जो मेल है उसकी देखिए नोज ब्लूइश है। तो दोस्तों इस पिक्चर में भी देखिए पट्टे की जो फीमेल है उसकी नोज व्हाइट है और दूसरे की ब्लूइश है। तो दोस्तों इस पिक्चर में साफ साफ नज़र आ रहा है आपका कि मेल की पिंकिश है और फीमेल की नोज वही वाइट है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि हर जो पट्टे होते हैं उसमें मेल की जो नोज होती है या तो पिंक होगी या फिर ब्लू होगी, लाइट ब्लू, किंतु अगर फीमेल है तो उसकी वाइट होगी, ठीक है दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, कि आपको अच्छा लगे कि मैंने जो आपको मेल और फीमेल के डिफरेंस बताया है, अगर आपको समझ में आए, अगर आपको लगे कि ये मेरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ इन्फॉर्मेशन सही है और अच्छा है, तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में मेरे कोई दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, सेफ रहें, धन्यवाद।